हाय गाइस, अभी मैं घर से निकल चुका हूँ और अभी सुबह मॉर्निंग के 5:15 हुए हैं और हम जा रहे हैं अब यूयो के पास। सीधे अब यूयो के पास जा कर के मिलते हैं हम लोग। फाइनली मैं अपनी डेस्टिनी पर पहुँच चुका हूँ और वेट कर रहे हैं यूयो का, यो जल्दी से आए। फाइनली अब हमारा इंतज़ार समाप्त होता है और यो जो हैं आ चुके हैं। फाइनल डेस्टिनी पे ये यो भी आ चुके हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यो चाचा में। तो आज हम कहाँ आए ये बताएंगे यो। अपन आए हैं रिवर फ्रंट, द्रव्यवती नदी है, वहाँ पे लैंडस्केपिंग गार्डन है, वो हम आज आपको दिखाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये है अपनी द्रव्यवती नदी जो कि किसी नाले से कम नहीं है। बहुत स्मेल आ रही है सुबह। बाकी इसका नाम द्रव्यवती नदी है लेकिन यहाँ सारे एरिया का गंदा पानी आता है। ये क्या गवर्नमेंट को मतलब नदी नाम देते हुए थोड़ा सा ऐसे लगा, लेकिन अभी इसको सफाई वगैरह अगर हो प्रॉपर तब जाके ये एक नदी जैसी लगे, बाकी अभी ये गंदा पानी ही है। ये जगह वो है जहाँ पर इस गार्डन का पूरा एक मॉडल बनाया गया है जो कि उस साइड अंदर कहीं रखा हुआ है, बिल्डिंग के अंदर इसका मॉडल रखा हुआ है। अभी इसका टाइम नहीं है ओपन होने का, अगर होता तो हम आपको दिखा देते। श्रीमती वसुंधरा जी ने इनका स्टार्टअप किया था और द्रव्यवती नदी परियोजना करके इसका नाम है। बाकी डिटेल आपके सामने है, आप इस वीडियो को पोज करके देख सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेकर के देख सकते हैं। ये गार्डन में कुछ कॉटेज हैं बनाए हुए, एक्सरसाइज वगैरह करने के लिए लोग इनको काम में लेते हैं। ये सारे प्राइवेट हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ लोग मॉर्निंग वॉक पे बहुत सारे लोग आते हैं, सुबह लगभग 4 से 8-9-10 तक करते हैं मॉर्निंग वॉक। अब यो हमारे रस्सी लेकर के आए, अब ये रस्सी जंप करेंगे। तो We'll be right back.
अब यूयो ने रस्सी जंप कर लिया है। अब थोड़ा आगे चल के आपको एक्सप्लोर कराते हैं थोड़ा सा कि गार्डन का और आगे का जो स्पेस है वो किस तरीके से बनाया गया है। तो गार्डन में वाकई में मतलब गार्डन में वाकई में क्लीनिंग बहुत ही अच्छी करी हुई है। आप नज़ारा देख सकते हैं, आप खुद भी देख सकते हो कि काफ़ी साफ़ सफाई यहाँ पर की गई है और इसका ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। चलो मिलते हैं आगे। बस गंदगी में यहाँ पे अपने बस नदी की स्मेल है। बस ये जो नदी है ना, जो नदी की जो नाला है, सिर्फ इसी का स्मेल आता है यहाँ पर, बाकी और तो सब कुछ ठीक ठाक है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ कुछ बुजुर्ग दंपंती है तो कुछ जवान भी हैं जो आपस में बैठ करके बातचीत कर रहे हैं, साथ में योगा भी कर रहे हैं। और करना चाहिए योगा, सेहत के लिए काफ़ी अच्छा होता है। हेलो गाइस, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। द्रव्यवती नदी का ये जो वीडियो है, ये हम आपको इसके मोस्टली सारे पोज हमने आपको शो किए हैं, मतलब सिंगल शॉट में भी हैं, वीडियो भी बनाए हैं और हमने कई एक्टिविटी करी है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें हम लोगों से आपकी बातचीत थोड़ी कम हुई हो, बाकी यहाँ का जो जितना एक्सप्लोर करना था हमें एरिया, हमने आपको उतना ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करने की कोशिश की है। और आई होप कि आपको हमारा ये वीडियो भी काफ़ी अच्छा लगेगा। और प्लीज़ गाइस, आपसे ये निवेदन है कि इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और हर वीडियो पे हमें लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर कई किसी एक अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।